संघ किसी के विरोध में काम नहीं करता, सर्वेशाम अविरोधे न काम है। ये मुसलमानों की ईसाइयों के विरोध में काम नहीं, हिंदू हित में काम है। संघ किसी का विरोध नहीं करेगा, किसी को नहीं डराएगा, लेकिन संघ स्वयं भी नहीं डरेगा और हिंदू को किसी को डराने नहीं देगा, हिंदू हित में काम करेगा। संघों को अपने लिए कुछ प्राप्त नहीं करना है, संघ को देश के लिए सब कुछ करना है, और इसलिए संघ आपको बुलाता है। नहीं तो आज संघ जितना है संघ के लिए बस है, संघों को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम आप अपना देश और दुनिया, उसके उद्धार का दूसरा मार्ग नहीं है, और इसलिए यह आह्वान संघ का सारे समाज को है कि संघ के कार्य के इस मर्म को समझिए। संघ का नाम नहीं सुना ऐसा दुनिया में भी कोई नहीं है। हर सोचने समझने वाला आदमी आरएसएस का नाम जानता है, लेकिन आरएसएस के काम को समझिए, केवल कार्यक्रमों पर मत जाइए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संघ जिस विचार को उत्पन्न करता है लोगों के मन में, और उस विचार के अनुसार व्यवहार करने वाला बलिष्ठ मन शरीर बुद्धि तैयार करता है, उस मर्म को समझिए। और उस मर्म को समझकर संघ के केवल हितैषी बनकर काम नहीं चलेगा, संघ के संस्कार को संघ के कार्यक्रमों में आकर प्रत्यक्ष ग्रहण करते हुए संघ के सहयोगी कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। भारत के सब मुसलमान हिंदू है, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है, देखिए मुसलमान बन गए। लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई, मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए, सब समान पूर्वजों का वंशज है और कहीं जाने वाले नहीं है, उनको जीना मरना भारत में ही है। बस एक ही बात है कि इस देश के स्वभाव में जो उदारता है उसको लेना है, मतांतरण बंद करना है, कट्टरपन छोड़ देना है, बाकी मतों के मानने वालों को हीन बताने वाले उनके विचार में जो अंश है उसको निकाल देना है, भारत के पूर्वजों को अपना मानना, भारत के इतिहास को अपना मानना, भारत माता के लिए जीवन ये मानना। लेकिन ये वो कब मानेंगे? ये जो अपने आप को हिंदू कहने वाला मानने वाला है, वो अपने संकटों को परास्त कर संगठित कर जब खड़ा नहीं होगा तब तक वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदू पिट रहा है, हिंदू लूट रहा है। अपने आप को हिंदू कहने वाले मार खाते रहते, अपने आप को हिंदू कहने वालों में आपस में भेद है, सामाजिक समरसता नहीं है, जाति के भेद पंथ के भेद लड़ते रहते, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते रहते, ऐसे हिंदुओं के साथ रह के क्या करना है? और इसलिए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है, और वो सबके समझ में आ जाए इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। वही संघ का काम है। संघ किसके लिए करता है? देश और दुनिया के उद्धार के लिए जो एकमात्र उपाय है, वो एकमात्र उपाय कर सकने वाला सामर्थ्य संपन्न, समरसता युक्त, वैभव संपन्न, जिसकी ओर आंख टेढ़ी करके किसी की देखने की हिम्मत न हो, जिसका हाथ इस पर उठे तो उसका हाथ टूट जाए, ऐसी ताकत वाला भारतवर्ष खड़ा करने के लिए, यह संघ का काम है। यह संघ का काम नहीं है, ये हमारा आपका सबका काम है, क्योंकि इसी में आपका हमारा सुख निहित है। और इसलिए संघ ये सारे काम करता है और ऐसे कार्यक्रमों में आपको बुलाता है और आपका सहयोग मांगता है।